हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ केमिकल काइनेटिक्स का एक अगला लेक्चर। अगर आपने मेरे वो दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाओ यार उनको देख लो, मैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज वो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। और ये लेक्चर को आप पूरा देखना ताकि आपको केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हमने देख लिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। आज मैं पहला टॉपिक लूंगा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यार देखो, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, रेट ऑफ रिएक्शन का मैंने फॉर्मूला क्या बोला था याद करो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो सीधी सीधी बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट अपॉन इसकी यूनिट। अगर मैं यूनिट लिखना चाहूं तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या लिख सकते हैं हम लोग। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, शायद फर्स्ट लेक्चर में बोला था, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हम ले सकते हैं मोल पर लीटर में। अगर हम मोलारिटी के टर्म्स में बोल रहे हैं तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, और टाइम की यूनिट तो हम लेंगे एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग, ले सकते हो सेकंड, ले सकते हो मिनट, ले सकते हो। अगर मैं सपोज करो सेकंड ले रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि हमारे जो रिएक्टेंट है वो गैसेस है, कैसे रिएक्टेंट है, गैसियस रिएक्टेंट है। तो मैंने बोला था कि उनके लिए हम कंसेंट्रेशन नहीं डिफाइन करते, हम उनके लिए प्रेशर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, प्रेशर की कोई यूनिट एटीएम ले लो, बार ले लो, टॉर ले लो, और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फॉर लाइक अगर मैं ले लू एटीएम में तो एटीएम और सेकेंड इनवर्स। ठीक है यार, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो चलो यार एक क्वेश्चन करते हैं। तो यार ये क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर अ रिएक्शन 2A + 3B Giving 4C + 5D, the rate of disappearance of A is 2 mole per liter per second, and find the rate of reaction and rate of appearance of B. तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मैंने बोला था कि अगर कोई रिएक्शन होती है AA + BB giving CC + DD, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या डिफाइन करते थे हम, -1/A dA/dt = -1/BdV/dt = 1/C dC/dt = 1/DdD/dt। ठीक है, तो अगर हम देखें इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें हमें दिया हुआ है rate of disappearance of A, मतलब हमें क्या गिवन है, -dA/dt। मैंने कहा था कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में कभी भी स्टोशियोमेट्री नहीं लिखते, तो ये हमको गिवन है 2 mole per liter per second। और इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू -1/2 dA/dt, तो वो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 1 mole per liter per second। ठीक है, या दूसरा पूछा गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, और तुम लोग को भी पता होगा कि -1/2 dA/dt = 1/5 dD/dt। ठीक है, ये हमें पूरा पता है,
अब हमारा रेट आ चुका है 1 mole per liter per second, तो ये कितना आ जाएगा, dd by dt is equal to 5 times of this is equal to 5 into 1 is equal to 5 mole per liter per second। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूं वो है एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। देखो यार, वैसे तो ये टॉपिक मैं थोड़ा सा बाद में लेता, लेकिन मेरा नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में आ जाए इसलिए मुझे इसको अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। तो यार, एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कि सिंगल स्टेप में हो जाए। कैसे हो जाए? सिंगल स्टेप में हो जाए। ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है। ठीक है, अब देखो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। H2 plus I2 giving 2HI। ठीक है, अब सीधी सीधी बात है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पूछूं तो क्या हो जाएगा, अगर ये सिंगल स्टेप में हो रही थी तो ये किस स्टेप में होगा? ये मल्टीपल स्टेप में होगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, अब अगर ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो इसके जो ईच स्टेप होंगे वो एलिमेंट्री होंगे। मतलब अगर ये रिएक्शन चार स्टेप में हो रही है तो इसके चार एक एक इंडिविजुअल स्टेप एक एलिमेंट्री स्टेप होंगे या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन होंगे। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, हम ये देख के नहीं बता सकते थ्योरेटिकली कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है या रिएक्शन एलिमेंट्री है। ये प्योरली एंड प्योरली एक्सपेरिमेंटल है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल है। और हम ये कैसे बता सकते हैं? बाय सीइंग द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, हम मैकेनिज्म देखे बिना ये नहीं बता सकते कि हमारी रिएक्शन एलिमेंट्री है या हमारी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो अगर मैं एग्जाम्पल लू एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, तो मैं कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल पहले मैं जनरल टाइप दिखा देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग सी, सी प्लस डी गिविंग ई। तो फाइनल रिएक्शन क्या हो, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही थी? ओवरऑल रिएक्शन हो रही थी हमारे पास ए प्लस बी गिविंग टू ई। लेकिन ये डायरेक्टली ना होके ये दो स्टेप में हो रही है। अब देखो ये स्टेप स्टेप नंबर वन और ये स्टेप स्टेप नंबर टू, वन एंड टू आर एलिमेंट्री। ये दोनों कैसे हैं? एलिमेंट्री। लेकिन ये पूरी रिएक्शन कैसी हो गई? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। ठीक है यार, अब मैं दिखाता हूं आपको एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एक ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे H2 plus Br2 giving। ठीक है भाई, I2 था तो हमारे पास एलिमेंट्री थी, लेकिन Br2 आ गया तो ये कॉम्प्लेक्स हो गई। तो ये हमें कैसे पता चला? ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये रिएक्शन हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो भाई मैं इस लेक्चर को यहीं पर रोकता हूं, बाकी आगे सीखेंगे हम अपने नए लेक्चर्स में। ठीक है, अगर आपने मेरी बाकी दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन दोनों को नीचे जाके देख लेना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।